अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अम्बेडकर नगर में क्रीड़ा महोत्सव का समापन। 3 दिन की स्पर्धा में हजारों छात्रों ने लिया हिस्सा, बांटे गए पुरस्कार। स्लम इलाके के छात्र खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने एवं नगर सेविका रंजना सोनावने द्वारा आयोजित 3 दिवसीय क्रीड़ा महोत्सव का सोमवार को समापन हो गया। इसमें 9 स्कूलों के 8,000 छात्रों ने हिस्सा लिया। मनपा के राजर्षि साहू जी महाराज विद्यालय में स्पर्धा के आखिरी दिन पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने और शिक्षण अधिकारी नितिन काले के हाथों विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। शिक्षकों ने भी खेल स्पर्धा को छात्रों को आगे बढ़ाने का जरिया बताया और आयोजन के लिए पूर्व महापौर सुधाकर सोनावने एवं नगर सेविका रंजना सोनावने की सराहना की। इन सभी जो 3 दिवसीय कार्यक्रम क्रीड़ा स्पर्धा हुआ, इसमें सबसे बड़ा जो प्रयास है हमारे माननीय माजी महापौर श्री सुधाकर जी सोनावने साहब और स्थानीय नगर सेविका रंजना जी सोनावने मैडम के प्रयास से हर साल की तरह बहुत ही सफलतापूर्वक क्रीड़ा स्पर्धा का आयोजन किया गया। और इस 3 दिवसीय स्पर्धा में बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्राइवेट स्कूल के खेल स्पर्धा होती है, कंसेप्ट बेस इस बार हुआ, जिसमें कैसे पिकअप जो पूर्व प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं, पूर्व प्राथमिक के छोटे बच्चे बालवाड़ी खेलवाड़ी के, उन्हें कंसेप्ट बेस गेम्स लिया गया, जिससे उन्हें फाइंड आउट द कलर्स, बुक बैलेंस के साथ साथ में पिक योर नेम, इस तरह से अलग अलग प्रकार के, ताकि बच्चों के कंसेप्ट भी उनको क्लियर होने चाहिए, इस तरह से अलग अलग गेम का आयोजन किया गया। और आज जो और बाकी जो खेल हैं जैसे कबड्डी, खो खो, सांगी गेम, वो भी बहुत अच्छी तरह से कई लगभग हजारों बच्चों ने 8-9 स्कूलों के हजारों बच्चों ने इस क्रीड़ा स्पर्धा में शामिल हुए और उन्होंने बड़े उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। यहाँ जवरजवर 1,000 ते 2,000 विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला। सर्व विद्यार्थ्यांनी जे जे संघ जिंकलेले आहेत त्या सर्व विद्यार्थ्यांना सर्टिफिकेट आणि ट्रॉफी देऊन सन्मानित करण्यात आलेले आहे। या विद्यार्थ्यांच्या समक्ष सामाजिक संदेश, तंबाखू मुक्त अभियानचा संदेश, स्वच्छ भारताचा संदेश प्रत्येक विद्यार्थ्या हातामध्ये देऊन फुग्यांच्या द्वारे हा संदेश सर्वदूर पसरवण्याचा प्रयत्न आम्ही या ठिकाणी केला। आमच्या विभागातील सर्व विद्यार्थ्यांना एक चांगलं क्रीडा मैदान मिळावं, एक चांगलं स्टेज मिळावं, ज्यातून विद्यार्थ्यांमध्ये अनेक कलागुण आहेत आणि क्रीडागुण जे आहेत त्यांना वाव मिळावा, आणि म्हणून यासाठी आम्ही हा सातत्याने या स्पर्धांचं आयोजन करतो। सतत सलग 3 दिवस या स्पर्धांचं आयोजन आमच्या शाहू महाराज विद्यालयाच्या क्रीडांगणावर केलं गेलं आहे। बता दें की 3 दिनों के इस खेल महोत्सव में तंबाकू मुक्ति और स्वच्छ भारत का संदेश भी दिया गया। आउटडोर एवं इनडोर खेलों में छात्रों की अभिरुचि जगाने तथा प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में भी यह स्पर्धा सफल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 India।